सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल न्यू टर्न। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी MSTCET 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टॉपर स्टॉक के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं चैनल पे 20 से 25 टॉपर स्टॉक लाने वाला हूँ। 20 से 25 कौन से लोग होंगे? वो ऐसे लोग होंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के, ठीक है, इस चैनल से पढ़ के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है उन्होंने, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में हुए है, जैसे कि COAP, VJTI, DJ सांगवी, थोडोमॉल, PICT, ये सारे टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, जिसमें उनका एडमिशन हुआ है। उनका इंटरव्यू लाने वाला हूं। तो क्यों इंटरव्यू की क्या जरूरत होती है? ऐसे इंटरव्यू की एक ही जरूरत होती है कि देखो, मैंने MSTCET की एग्जाम दी है 5-6 साल पहले, है कि नहीं? तब चीजें थोड़ी अलग काम करती थी, तब चीजें थोड़ी अलग वर्क करती थी, अभी थोड़ी चीजें अलग वर्क करती है। तो इसका भी आपको थोड़ा फैमिलियर हो, ठीक है, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सब चीजें फैमिलियर हो आपसे, इसीलिए उनको मैं लाता हूँ। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब कवर करके रखे हैं चैनल पे, ठीक है, आगे भी कवर करूंगा एडमिशन के, मतलब आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में तब तक मैं आपके साथ में साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को मैं एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ यार। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए कम से कम उन सबको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये सब ट्रायल चालू है यार, कि टॉपर स्टॉक लाना, ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे PDFs वगैरह प्रोवाइड करना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे अच्छे अच्छे PDFs वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। आपके लिए टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे भी कुछ बच्चे थे लास्ट ईयर जिन्होंने टेस्ट सीरीज देखिए एक बेस्ट कॉलेज उखाड़ दिया, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के एक बेस्ट कॉलेज में है वो। थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर को पढ़ा और उसके बाद सिर्फ पेपर लगाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने पेपर कब लगाए थे? जब CET को 5-6 महीने बाकी थे तब से शुरू कर दिया था। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है यार, महाराष्ट्र के बेस्ट एडुकेटर्स द्वारा बनाई गई है वो, तो एनरोल कर सकते हो वहां पे टेस्ट सीरीज। कुछ आपको 10,000, 15,000, 20,000 देने की जरूरत नहीं बाहर, ये चीज मैं बंद करवाना चाहता हूँ। जहां बाहर जो इतने पैसे देते हो ना, वो चीज बंद करवाना चाहता हूँ बस, ठीक है। तो जरूर एनरोल हो जाना, और अभी हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ओके। और वीडियो के अंत में फिर से मिलेंगे, थोड़ी सी बातें करनी है आपसे, ओके। सो हाय गाइज, अभी हम तनिष्क से बातें करेंगे, ठीक है। उसके जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे उसने इतना अच्छा स्कोर किया, एक महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। उसकी पूरी जर्नी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाय तनिष्क। हाय सर। सो कैसे हो आप? सर सब बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नाम, आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ, थोड़ा आपके बारे में बताइए हमें। ओके सर, सो मेरा नाम है तनिष सुनील चांदे, सो आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई गॉट कॉलेज एज DJ सांगवी और मेरे CET में परसेंटाइल 96.49 थे सर। ओके ओके, देखो इसके 96.49 मतलब अराउंड 97% थे, ओके। तो 97% मतलब बहुत अच्छा स्कोर होता है, अगर आप 200 आउट ऑफ कैलकुलेट करो तो अराउंड आपके 145 के आसपास बनने चाहिए, ठीक है, तब आपके 145 से ज्यादा ही, ठीक है, तब जाके आपके 97 से ज्यादा परसेंटाइल बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोर था। अभी ये स्कोर लाया उसने, उसके पीछे उसका स्ट्रगल क्या था, कैसे उसने अपनी प्रिपरेशन की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से थे, कौन कौन से हर्डल उसने फेस किए, सब चीजों के ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो दूसरा सवाल कनिष्ठ है कि आपने CET पे फोकस किया था पहले से ही, या मतलब GE पे भी फोकस था, बोर्ड्स पे भी फोकस था, सब चीजें साथ में आपने की? ओके सर, वैसे तो मेरा JEE पे फोकस नहीं था इतना, CET पे मेरा मेन फोकस था और बोर्ड्स पे सेकंड फोकस, मतलब साइमल्टेनियसली बोर्ड्स और CET में साथ में लेके चल रहा था, क्योंकि JEE वॉज नॉट माई ऑप्शन टू टेक अप, NITs वगैरह में जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर CET और बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया था। बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया है, तो देखो एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो, जैसा तनिष ने किया पहले से ही उसने एक अपना एम सेट करके रखा कि हाँ भाई मेरे से JEE कुछ होने नहीं वाला, एडवांस ट्रैक नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई मतलब शर्म की चीज है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है वो चीज करने की, इट्स ओके, लेकिन आप जहां पे बेस्ट हो उसमें बहुत ज्यादा बेस्ट कर सकते हो,
ठीक है, इसीलिए पहले से ही आप सोच के रखना कि हाँ यार मुझे जेई करना है या सीईटी करना है। अगर आपसे जेई हो रहा है, आपसे अच्छा एनआईटी निकल रहा है, अच्छा आईआईटी निकल रहा है, तो ऑफकोर्स आपको जेई करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हाँ यार वहां पे थोड़े डिफिकल्टीज है और वो मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है इतनी करने की, तो अगर मेरी कैपेबिलिटी सिर्फ सीईटी है तो सीईटी में मैं बेस्ट करूंगा। महाराष्ट्र के जो टॉप 5-6 कॉलेजेस है उसमें डीजे सांगवी भी आता है, उसमें मेरा एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले से ही अभी देखो बहुत टाइम चला गया, अभी जनवरी फरवरी आ गया, अभी तो आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है कि एक तो मैं जेई करूंगा, एक तो सीईटी करूंगा, दोनों लड्डू हाथ में लिए मत फिरना। मैं हर एक इंटरव्यू में आपको ये चीज बताता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। तो बोर्ड्स और सीईटी को कैसे आपने साथ ही साथ मैनेज किया? सर वैसे देखा जाए तो मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, और अगर कोई इधर स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स है उनमें से कोई अगर एसएससी बोर्ड का होगा तो बोर्ड्स एंड सीईटी आपको साइमल्टेनियसली लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचएससी बोर्ड्स के जो बुक्स होते हैं दैट आर मोर देन इनफ कि आप सीईटी क्रैक कर सकते हो उसके साथ। बट सीबीएसई का स्टूडेंट अगर होगा तो अगर वो एनसीईआरटी भी अच्छे से रेफर कर ले और उसके बाद मॉक्स करे, मॉक्स इंटरव्यू, मॉक्स पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब अगर प्रैक्टिस करें तो उसके लिए सीबीएसई स्टूडेंट विल ऑल्सो गो थ्रू दिस गुड परसेंटाइल एट लास्ट। और एचएससी स्टूडेंट के लिए उसकी टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर पेपर वो आर मोर देन इनफ, बहुत राइट बहुत सही है उसके लिए। बिकॉज जितने हम लोग ने देखा तो पेपर में सेम क्वेश्चंस उठा के लाइन टू लाइन उठा के आ जाते हैं अंदर। करेक्ट। तो देखो एक चीज दिमाग में बिठा लो, अभी देखो ये सब चीजें मैं बोलता हूँ लेकिन आपको ज्यादा विश्वास नहीं होता। ठीक है, अभी देखो मेरे भी मेरा स्कोर बताया आपको सबको, फिजिक्स में मेरे कितने आए थे, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, मेरी सारी जर्नी आपको बताया, लेकिन अभी ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई तो की साथ में ठीक है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार, आप मतलब ऐसा कंसिडर कर सकते हो आपका 50% काम आपका पढ़ाई होता है, 50% काम आपका मॉक टेस्ट होता है। अगर आप 50% काम कर रहे हो अपना पढ़ाई कर रहे हो और वैसे ही एग्जाम में जाते हो तो कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के एक महीने में मॉक टेस्ट लगाते, लास्ट के एक डेढ़ महीना होता है तब मॉक टेस्ट लगाते, उसका भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। आप अभी से मॉक टेस्ट लगाओ, जो आपकी गलतियां होंगी वो सुधार सकते हो आप। अभी आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ओके 20 मॉक टेस्ट की लिंक है। ठीक है, 20 मॉक, कम से कम 20 तो लगाने ही लगाने आपको, कम से कम, उससे ज्यादा चाहिए होगी तो भी मुझे आप बताओ, मैं ज्यादा अरेंज करके आपके लिए दूंगा। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टारगेट के पेपर उठा लो और वो सोल्यूशन देख के कर लेना, वो सब चीजें मत करना। ठीक है, अच्छी मॉक टेस्ट उठाना, ठीक है, जहां पे रिवाइज सिलेबस द्वारा सब चीजें दी गई हो। ठीक है, तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट है यार, उसमें सारी चीजें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जरूर आपको इस चीज को एनरोल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तनिष से कि आप जब पढ़ते थे, जब पढ़ाई करते थे, तब मतलब मोटिवेशन क्या रहता था आपके अंदर? सर मोटिवेशन तो यही था कि करना है कुछ, तो मतलब कॉलेज मिला नहीं तो कोविड पहले से ही चला है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम लोग है ही, अगर ये भी नहीं किया और नॉर्मल बीएससी में चले गए तो फिर ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आगे तो धक्के ही खाने हैं। तो इसके वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिले यही आपके लिए बड़ी मोटिवेशन है, योर नीड इज़ ओनली योर मोटिवेशन, यही था मेरे उस टाइम पे। अभी कॉलेज अच्छा मिलना ये तो एक नीड हो गई थी मेरी, और फिर दूसरों को भी देखता था कि यार अच्छे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, आपके भी कुछ स्टूडेंट्स थे आप जो बोलते थे कॉलेज स्टूडेंट्स पे, तो दैट वाज आल्सो अ थिंग कि यार ये जा सकते तो अपन भी जाने चाहिए, अभी एनआईटी नहीं हो रही है तो ये तो हो जाए एटलीस्ट, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन। करेक्ट, बहुत बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। और अभी हमारे जो व्यूअर्स है, वैसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, चलो 15 दिन पढ़ लिए, 20 दिन पढ़ लिए, उसके बाद मोटिवेशन गायब हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे मतलब? ओके, तो मोटिवेशन अगर जाए तो एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, लाइक मुझे मैथ्स पसंद था तो कोई वो सब्जेक्ट आप छोड़िए मत उसको, आप उसको उठाइए उसको ही करिए, अब करती है करिए, और फिर कोई वीडियोस देख लीजिए मतलब कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर आपका आपका माइंडसेट ही आपका मोटिवेशन घुमा देता है कि आपको क्या, आपको माइंडसेट में क्या लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा,
तो ऐसा कोई वीडियोज देखी है जिसमें सीटी का रहे हुए ऐसे बहुत से वीडियोज है आपका जैसे वीडियो है कि आप बोलते हो आप है और अलग अलग चैनल्स है जो बोलते हैं कि सीटी इजीली कैसे क्रैक होती है. सो सीइंग टू दैट आपका मोटिवेशन वापस आ जाता है क्योंकि आपको क्या लगता है कि हाँ यार एग्जाम तो क्रैक हो जाएगी इतना तो ईजी है इतना 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 सिलेबस है ये तो मेरे से हो गया है इसमें से इतना इतना तो हो ही गया है. बिकॉज बाय नाउ दिस टाइम बच्चों ने बोर्ड्स का तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा तो उनको पता है कि यार ये टॉपिक्स तो हो गए और ये इतना वेटेज मैंने करते हैं तो यार 45 प्लस या मैथ्स में 50 प्लस 60 70 प्लस 80 प्लस आराम से आ सकते हैं. तो दैट्स वेयर योर स्कोर गेट्स हाई एंड योर मोटिवेशन कम्स टू ट्रैक अगेन. यस यस बहुत अच्छी बात बोली तनिष ने. आपको आपका मोटिवेशन खुद ही ढूंढना है ठीक है. जब आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कीजिए ऐसा नहीं बोलूंगा मैं मुझे ही फॉलो कीजिए. आप यूट्यूब पे किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर सकते हो लेकिन ऐसा मत करना कि हर एक क्रिएटर को फॉलो करते रहना और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देना वो चीज मत करना. ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कीजिए जो दिन में एक एक दो दो वीडियो डालता हो हमेशा आपके एक टच में हो ठीक है. आप चैनल पे देख सकते हो मेरे दिन में एक एक दो दो तीन तीन वीडियोज आते तो ऐसे क्रिएटर के टच में रहिए चाहे और कोई भी होगा उसके टच में रह सकते हो आप. एक ही यूट्यूबर को फॉलो कीजिए और जब वो बोलते जब वो आप उनके वीडियोस वगैरह देखते हो तब आपको ये समझे कि हाँ यार मेरा 50% तो हो गया. कोई स्ट्रैटेजी अगर उन्होंने शेयर की तो फिर आपको फिर से मोटिवेशन आएगा हाँ हाँ ऐसा ऐसा इन्होंने बोला था मेरा इतना इतना हो गया मतलब इतना बाकी है तो वो एक मोटिवेशन का रीजन बन सकता है. या फिर बहुत ही मतलब फालतू आंसर भी बता सकता था मैं और तनिष भी कि आप वीडियोस देखो मोटिवेशन वीडियोस देखो वो सब चीजें मतलब ज्यादा दिन के लिए वर्क नहीं करती ठीक है. आपको ऐसे वीडियोस देखते रहने स्ट्रेटजीज वगैरह के ऊपर सेफ स्कोर वगैरह ऐसी सब चीजें देखती रहनी है ताकि आपको पता लगे कि हाँ मेरा इतना हो चुका है इतना बाकी है ठीक है. तो वो एक अलग मोटिवेशन देती है वो चीज आपको ठीक है कि हाँ मुझे इतना ही करना है इतना करके मुझे एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है ओके. तो एक टच में रहो अच्छे एनवायरमेंट में ओके ठीक है. तो तनिष आपका डेली रूटीन क्या था कैसे आप पढ़ाई करते थे कब उठते थे मतलब जनरली स्टूडेंट्स वो चीज फॉलो कर सकते हैं ऐसा. ओके सर ऐसा डेली रूटीन तो पर्टिकुलरली नहीं होता था ऐसा किसी का नहीं होता एज अ स्टूडेंट तो पर्टिकुलरली किसी का रूटीन नहीं होता बिकॉज लेक्चर्स एंड ट्यूशंस ये सब मैनेज करने में आपका अलग अलग टाइम जाता है. तो मेरा सुबह 8 बजे लेक्चर शुरू होता था कॉलेज का सो दैट वॉज अप टू 1:30 2:00. तो अगर सेल्फ स्टडी की बात करें रूटीन का अगर मैं शाम को करूँ मतलब मेरा टारगेट फिक्स था. आप रूटीन मत फॉलो कीजिए आप टारगेट फिक्स कीजिए दिन में कि यार अभी फिजिक्स का पर्टिकुलर चैप्टर या मैथ्स का पर्टिकुलर चैप्टर है तो इसकी इतनी मॉड्यूल सॉल्व करनी है मेरे को या इतने क्वेश्चन सॉल्व करने तो 30+ क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आपको तो दिन में वो 30+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए चाहे आप 2 घंटा बैठो 1 घंटा बैठो 15 मिनट बैठो दैट डजंट मैटर. कि आप अगर आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे और ऐसे ही आपके दिन बे दिन टारगेट कंप्लीट होते जा रहे तो दैट्स इट यू आर डन यू विल बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी आपको आगे तक ये सीईटी में क्रैक कराएगी एंड इट्स नॉट हार्ड टू क्रैक सीईटी एज जेई एंड जेई एडवांस. राइट राइट देखो यहाँ पे ध्रुव ने दो चीजें बहुत अच्छे से बोली कि देखो अभी ये ऐसा बता सकते थे कि हाँ मैं 4 बजे उठता था और मैं 2 बजे सोता था ये सब चीजें ये बोल सकते थे. उन्होंने बहुत ऑनेस्टली बताया कि आपको ऐसा देखो स्टूडेंट्स लाइफ है ठीक है डेली रूटीन 10 दिन फॉलो कर सकते हो 15 दिन फॉलो कर सकते हो उसके बाद नहीं हो पाता ठीक है. मैं भी ये चीज फील करता हूँ उसने भी किया है. तो आप क्या करो एक टारगेट सेट करो दिन का ठीक है कि हाँ चलो मुझे आज 3 चैप्टर पढ़ने या फिर इतने MCQ लगाने इतने PYQ लगाने या फिर ये मॉक टेस्ट लगानी है मुझे आज तो उतना टारगेट आप कंप्लीट करो उतना टारगेट स्टेप बाय कंप्लीट करोगे तो आप आराम से यूनिवर्सिटी क्रैक कर दोगे. और दूसरी चीज जिसने इंपॉर्टेंट बोली वो है सीईटी आसान है एज कम्पेयर टू जेई मेन जेई एडवांस सीईटी बहुत आसानी से क्रैक हो जाती है ठीक है. तो ऐसा कंसीडर मत करना कि जेई जैसा डिफिकल्ट है या एमएससी सीईटी जैसा सॉरी जेई एडवांस जैसा डिफिकल्ट है ऐसा कुछ नहीं ओके ठीक है. तो तनिष आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों. सर वैसे तो मैथ्स था क्योंकि मैथ्स इसलिए था क्योंकि मेरे जो सर थे टीचर थी मेरे बिल्लू सर थे उनका नाम एलेक्स बिल्लू है तो वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मतलब उनकी टीचर के साथ जब आपकी बॉन्डिंग हो जाती है तो आपको वो सब्जेक्ट अपने आप अच्छा लगने जाता हो जाता है.
सो टीचर के साथ बॉन्डिंग बन चुकी थी हम लोग रोज। अब वो टीचर अगर बोले हम लोग को रात को 12 बजे भी उठ के प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम लोग उठ जाते थे, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही वैसा होता था कि टीचर्स के साथ रह के अपने साथ और 3-4 बच्चे हैं उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, कंपटीशन बढ़ाओ, यार ये पहला सॉल्व कर रहा है वो दूसरा सॉल्व कर रहा है, तो वैसे करते करते मैथ्स में थोड़ा सा हाथ बैठ गया फिर ऐसा है। बिकॉज सिखाना और प्रैक्टिस करना इज द ओनली थिंग वो सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाता है। देखो ये चीज बहुत अच्छी बोली आपने, एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, जिस एनवायरनमेंट में आप बेस्ट हो उसको आपको बहुत बेस्ट बनाना है, ठीक है। अभी तनिष्क का जैसे मैथ्स के टीचर के साथ अच्छा जमता था, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज का बेनिफिट लिया, ठीक है, और उन्होंने उस सब्जेक्ट में अच्छा किया, ठीक है। अगर उनका पढ़ाना अच्छा लग रहा है उनको, तो उसमें उन्होंने बेस्ट किया, ठीक है, खुद का 100% दिया उस चीज में। तो आपको भी वही करना है यार, आपको जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे बेस्ट मिल रही है, चाहे कोई यूट्यूब का वीडियो बेस्ट मिल रहा है, तो आपको भी 100% देना है कि हाँ ये सर हमें 100% पढ़ा रहे, तो अपने को भी 100% देना है, तब जाके म्यूचुअल ग्रोथ होगी, ठीक है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहोगे कि उतना पढ़ लो भाई और MSTCET हो जाएगा आपका आराम से। सर वैसे इंपॉर्टेंट अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो एटम्स न्यूक्लियर ड्यूअल नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम मेरे हिसाब से 8 से 9 तो आ ही जाएंगे, 8 से 9 तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ऑसिलेशंस, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, और इसमें तो और याद नहीं आ रहा। और केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, अभी इम्पॉर्टेंट जो है ना जिसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये जो पीरियोडिक टेबल वाले ब्लॉक्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पी ब्लॉक में ये नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ऑर्गेनिक पे भी कीजिए, पर नेम्ड रिएक्शंस अगर HSC की बुक आपके पास है तो HSC की बुक उठा के बस वो एक बार आप देख लोगे ना कंटेंट, वो कंटेंट देखो, वो जो नेम्ड रिएक्शंस है वो देखो, वही उठा के वो लोग डाल देते और पूछ लेते हैं इसको इस रिएक्शन को कम्प्लीट करो या इस रिएक्शन का नाम बताओ, यही ऑर्गेनिक की बात है। आपको JEE में जैसे करते हैं वो लोग कि रिएक्शंस उठाते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पूछते हैं या उसके रिएजेंट्स पूछते हैं, वो सब मत कीजिए, वो आपको फिर आपको ट्रिक करेगा, फिर आपका वो इंटरेस्ट चला जाएगा वो सब्जेक्ट से। करेक्ट, तो वो उस केमिस्ट्री की बात हो गई। इन ऑर्गेनिक इज मेजर डिफिकल्टी फॉर स्टूडेंट्स, मेरे को भी वो डिफिकल्टी थी, तो इसके लिए उस पर फोकस कीजिए जो आपको आता है। इनऑर्गेनिक आपसे हो सकता है, इवन किसी से भी हो सकता है वो सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक जैसा, तो आप इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस डालिए। और थर्ड मैथ्स की बात करें तो उसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, 3D ज्योमेट्री है, अलजेब्रा वाला पार्ट है, अलजेब्रा जो मतलब जैसे मैं अर्थमेटिक वो सब वो कर लीजिए, वो भी एक अच्छा आपका स्कोर बना देगा अच्छा खासा। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लीजिए, जैसे न्यूटन पे स्ट्रैटेजी वीडियोस है, या फिर अपने अलग अलग चैनल्स है, या ये तो मैं नहीं बोल सकता किसका देखिए, बट है जो वो देख लीजिए। बराबर, देखो आप वो किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप इनका ही वीडियो देखो। अभी कल तनिष ने न्यूटन एडुकेटर्स के देखे, ठीक है, न्यूटन के वीडियो उनको अच्छे लगे, उनका फायदा हो गया। आपको किसी और के अच्छे लग रहे देखो, ठीक है, रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे टाइम पास करने से अच्छा किसी के वीडियोस देख लो, ठीक है, कम से कम थोड़ा तो बेनिफिट होगा ही होगा आपको, ठीक है। और जो जो तनिष ने टॉपिक बताए वो सारे मैंने नोट करके रखे, आई होप जो बच्चा सीरियस होगा वो नोट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भी उससे ज्यादा मेरे नंबर बने थे CET में, तो भी मैं उससे सीख रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट जो बैच आएगी उनको बता सकती हूँ, हाँ तनिष को इसमें बेनिफिट हुआ था, ठीक है। तो मैं वो सब चीजें लिख के मैं आपको बाद में फिर से बताने वाला हूँ, लेकिन जो सीरियस बच्चा होगा वो सच में लिख रहा होगा जो जो पॉइंट्स वो बता रहा है, ठीक है। टारगेट बनाना है दिन का, ना कि डेली रूटीन को फॉलो नहीं हो रहा है तो दिन का एक टारगेट बनाओ, ठीक है, ये सब चीजें लिख के रखा करो यार, ठीक है, एक बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अभी मॉक टेस्ट पे आपने कैसे काम किया, कितने मॉक टेस्ट लगाए, कैसे किया? मॉक टेस्ट तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, पर बहुत ज्यादा पेपर प्रैक्टिस कर लिए थे मैंने, क्योंकि मॉक टेस्ट तो मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसको मिनिमम 20 तो लगाने ही लगाने, ऑब्वियसली यस,
यस हाँ, क्योंकि आपके पहले पांच तो गलतियां, पहले पांच तो नहीं कह सकता, छः सात तो आपके गलतियां सुधारने में ही जाएंगे कि यार पहले पहले पांच छः में आपको लगेगा यार 200 में से मेरे 90 नंबर बन रहे हैं, मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, ये चीज़ 90 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं। अगर आपका इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ रहेगा तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप पहले बार जब पेपर देते हो तो यही अप्रोच रहता है, और आपका स्कोर मॉक टेस्ट की अप्रोच ही यही है कि अगर आप देते हो और उसमें स्कोर कम बनता है तो आपको क्या है, वो पहले से आप टेंशन हैंडल कर लेते हो, 95 बन रहे तो एग्जाम के माहौल में वो टेंशन नहीं रहता अपने पे, अपन फ्री माइंड हो जाते हैं। अगर मॉक टेस्ट 20 आपके हिसाब से अगर बोल रहे हो, 20 अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो टेंशन नहीं रहता यार, पेपर कुछ भी आए अब एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं तो कैसे सीईटी कभी कभी ट्रिक भी कर देता है, पहले पांच क्वेश्चन हार्ड डाल देगा, आएगा ही नहीं आपको, तो यार आपको लगा अरे स्टार्टिंग में पहले पांच क्वेश्चन हार्ड आ रहा है मेरे को नहीं जम रहा है, तो आपका मोटिवेशन हट जाएगा उस पे से कि यार नहीं होगा अभी पेपर खत्म, मेरा तो खत्म, अब करियर खत्म, मेरे को कुछ नहीं होगा, तो आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गए। तो दैट्स वॉट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो ये सब जो ट्रिक्स है ना वो आप पे वर्क नहीं करेगी आगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है पेपर सॉल्व करते करते, तो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो कंसिस्टेंसी ऑफ पेपर सॉल्विंग वो आपका मॉक टेस्ट सुधार देगा। राइट right. बहुत अच्छी चीज़ बोली तनिष ने कि आपको मॉक टेस्ट मस्ट है, बिना आप मॉक टेस्ट के पेपर में जाओ कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ऐसा मत करना लास्ट के एक डेढ़ महीने में मॉक टेस्ट लगा जाना, तभी भी लगाना, तभी भी जरूरत है, लेकिन अभी सीईटी को चार पांच महीने जैसे बाकी है तब से शुरू हो जाना मॉक टेस्ट लगाने के लिए, चाहे आपकी पढ़ाई 20% हुई हो, 30% हुई हो, 40% हुई है, कभी किसी की पढ़ाई 100% कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है, जितनी पढ़ाई हुई है उसमें हम टेस्ट देंगे, ठीक है, आने दो कम नंबर है कि नहीं, तभी जाके हम इंप्रूव करेंगे। कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं, हफ्ते में 2-3 टेस्ट देने को क्या आपको मतलब प्रॉब्लम है। ये चीज मैं हर हर साल चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत कम बच्चे इसको मतलब एनरोल होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर अराउंड 3-4,000 बच्चे एनरोल थे सिर्फ, ओनली 3-4,000, जो कि बहुत कम है, ठीक है। महाराष्ट्र के हर एक बच्चों को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ यार, हर एक को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन कम से कम जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उसमें हर एक को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज जो जो चीजें बोलता हूँ वो फॉलो करते जाओ यार, आपकी भलाई के लिए उन सब चीजें बोलता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में उन्होंने बता दिया, मॉक टेस्ट के लिए कहाँ से एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको बता दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन मेथड क्या थी आपकी? ओके सर, रिवीजन मेथड आप जब पढ़ाई करते हो पर्टिकुलर चैप्टर्स के तो नोट्स निकाल ही लेते हो, अभी तक तो स्टूडेंट्स को आदत हो गई होगी कि आप अपने चैप्टर्स के नोट्स निकाल लो, इम्पोर्टेंट चाहे तो। मेरे हिसाब से तो अभी आप क्या करो ना, एक चैप्टर होता है पर्टिकुलर तो उसके दो ही पेज आप ट्राई करो कि दो ही पेज में नोट्स निकल जाए, अगर वो दो पेज में नोट्स निकलेंगे ना जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो क्या लगेगा, अरे दो ही पेज है, हो जाएगा एक चैप्टर फट से दो पेज में रिवाइज हो जाएगा। तो आप उस चैप्टर को दो पेज के नोट्स को अच्छे से जब देखोगे तो वो उसमें सब कंटेंट भी होगा और आप मन लगा के भी पढ़ोगे, तो वो रिवीजन स्ट्रेटेजी वही है कि आप दो पेज में बना लो नोट्स और उसको फिर रिवाइज कर लो, हो जाएगा रिवाइज भी अच्छे से और फिर वो कॉन्सेप्ट याद रहता रहेगा। और रिवाइज हर अभी एक दिन, अभी आपने एक चैप्टर कर लिया है तो उसको एक हफ्ते बाद रिवाइज करना ही करना है, ये बात है। अगर एक हफ्ते बाद आप रिवाइज नहीं करोगे, आप सोचोगे यार चल एग्जाम के 10 दिन पहले रिवाइज करूंगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि आप फ्लो में नहीं रहते हो उस पढ़ाई के। राइट। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये किया था और बाद में जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो फिर वो दिक्कत हो रही थी, यार ये पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो फिर जब वो मॉक टेस्ट में मैंने फिर सुधारा, हाँ यार चलिए पढ़ लेता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद वापस उस चैप्टर को मतलब 2-3 चैप्टर जो खत्म हो गए मेरे तो उसको वापस रिवाइज करता था। रिवाइज करने के बाद, रिवाइज करके छोड़ दो, रिवाइज करने के लिए मेरे हिसाब से 1 घंटा बहुत हो गया 3 चैप्टर के लिए, 3 चैप्टर मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 1 घंटा बहुत हो गया आपको। Correct. तो 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो रिवीजन के लिए, ऐसे ही करते करते आप कंसिस्टेंटली करोगे एक हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता ले लो चाहिए तो 8-9 days 10 days के बाद करो चलेगा, बट नॉट मोर देन 15 days। Right, बच्चे लेके चलेंगे 15 days, प्लीज 15 days मत लीजिए, आप 10 days के अंदर ही रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी होती है। अगर आप 15 days के बाद करते हो या 15 days 13-14 day पे करते हो, आपको कैसे फिर आपको वो न्यू से स्टार्ट करना पड़ता है चैप्टर, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, तो आपको एक तो जाके यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखना पड़ता है वो पर्टिकुलर इसका, या तो वापस टेक्स्ट बुक खोल के बैठना पड़ता है। तो मतलब जो पहले पीछे मेहनत की थी वो तो कुछ फायदेमंद नहीं रही।
सो इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स. राइट, देखो जितनी सब चीजें ध्रुव ने बताई वो बहुत वैल्यूएबल चीजें उसने बताई. एक चीज हमेशा याद रखो, मॉक टेस्ट प्लस फॉर्मूला शीट्स. फॉर्मूला शीट्स आपको हर एक चैप्टर की बनानी है, ठीक है? एक चैप्टर आपने पढ़ा, दो पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, पूरी समरी आपको कवर करनी है. वही आपकी भगवत गीता रहेगी, वही आपको लास्ट मोमेंट पे काम आएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुव से, रिविजन मेथड के बारे में आपने बात कर लिया, क्या मैसेज आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को अभी जो 2022 के बच्चे? सर मैसेज, मैसेज ऐसा मैं तो बोलूँगा यार, सीईटी क्रैक कर लो, एनआईटी की जरूरत नहीं है अपने को. सीईटी क्रैक कर लिया अच्छे मार्क्स से, सीओईपी, वीजेटी है, डीजे सांगवी, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब तोड़ वाले कॉलेज है एनआईटी के. बच्चे उसमें भी आना चाहते हैं, बच्चे आना चाहते हैं उसमें. अगर आपका एडमिशन हो जाता है वही देख के चलो यार, जाके कभी आप समझो मुंबई में रहते हो तो जाके वीजेटी कॉलेज देख के आ जाइए, या सीओईपी में रहते हो सीओईपी देख के आ जाइए, बच्चों से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए. जब पता चलेगा वो बच्चे कैसे करते हैं, आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा. करेक्ट. मोटिवेशन का सोर्स ढूंढना है आपको, ठीक है? क्योंकि वही चीज आपको आगे लेके जाती है. पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, चलो कर लोगे आप, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती किसी में. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा लगा ध्रुव से बात करके. लास्ट हम जस्ट बिफोर ध्रुव का इंटरव्यू लिया, इसीलिए वही. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात. तनिष्क, तो आपके फ्यूचर प्लान क्या है? सर मेरे को तो अभी मैकेनिकल करना है. अब मैकेनिकल करके मैं सोच रहा हूँ कि मैकेनिकल में अगर इंटरेस्ट आता है मेरे को, मतलब मैकेनिकल में इंटरेस्ट है ही, कि अगर मेरे को लगता है कि चलो मैकेनिकल से भी जॉब कर सकते हैं तो मैकेनिकल से ही करूँगा. पर मोस्टली अभी तो मैंने सोचा है कि मैं मरीन इंजीनियरिंग में जाऊँगा, उसके बाद मर्चेंट नेवी में. अच्छा, मतलब मास्टर्स मरीन में करना है? हाँ, जब एक साल का कोर्स होता है 4 साल के बाद, तो वो राइट मरीन में करूँगा. एक साल का कोर्स तो वो मरीन में. ओके 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 ओके, तो कोर में ही जाना है, मतलब इंजीनियरिंग के कोर में ही जाना है. ऐसा कुछ नहीं अलग पैशन वगैरह है उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कुछ. नहीं नहीं, कीजिए आप स्पोर्ट्स खेलते हो स्पोर्ट्स करिए, आपको आर्ट अगर एक्टिंग है तो करिए, बस मेरा तो कोर में जाना है तो करिए. अच्छा, तो आपका कोर में ही इंटरेस्ट है. या सर देखो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, ये चीज ध्रुव के लिए अप्लाई थी तो ठीक है. इंजीनियरिंग के बाद आपका इंटरेस्ट जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग में कर सकते हो, लेकिन 12th तक सोचना भी मत ये सब चीजें कुछ करने की, ठीक है? 12th तक आपको सिर्फ यही करना है, पढ़ाई करनी. ओके, 12th के बाद बहुत टाइम है. ये चीज ऐसा नहीं कि 10वीं तक पढ़ लो 10वीं के बाद मजे है, 12वीं तक पढ़ लो 12वीं के बाद मजे, ऐसा कुछ नहीं है. लिटरली बोल रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग में कुछ काम नहीं होता, ठीक है? जो काम आप 2-3 घंटे में कर सकते हो ऐसे काम होते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपके पास बहुत टाइम होता है, हर एक चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? तो कैसा लगा ध्रुव, सॉरी तनिष, बात करके? कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर. बस बढ़िया बढ़िया, आपका नाम नहीं बोलूंगा यार मैं कभी. नहीं कोई बात नहीं सर, क्योंकि इतनी बार मैंने गलत बोल दिया. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बस. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर. अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके आपका, और बच्चे भी बहुत मोटिवेट होंगे आपसे. जी सर, आई होप आप जैसा स्ट्रगल करते आ रहे हो, स्ट्रगल मेहनत करते आ रहे हो, अभी तक हार्डवर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, वही आप आगे भी करोगे, और इंजीनियरिंग के बाद एक बेस्ट पैकेज उठाओगे, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप मतलब रियलिटी में लाओगे, ठीक है? और बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर्स. थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू तनिष, थैंक यू. सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है? तनिष से बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने मिली हो. अगर सीखने मिली तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आपको सच में वीडियो बेनिफिशियल लगा या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, फिर से टॉपर स्टॉक चाहिए क्या कुछ, या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर करूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने शेयर करके रखा है कैसे मैंने फिजिक्स में 46 स्कोर किया था 50 आउट ऑफ, केमिस्ट्री में 45 स्कोर किया था, मैथ्स का वीडियो बनाऊ या बायो का बनाऊ. बायो की तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं जो चैनल पे दूसरे कलीग काम करते हैं उनका खुद का भाई होता तो वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं. तो बताते जाओ आप, आपको जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ, मैं आपके लिए वो अवेलेबल करके दूंगा. इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपका जो भी चीज चाहिए मैं आपके लिए अवेलेबल करके दूंगा, ठीक है? थोड़ा टाइम लग सकता है उन सब चीजों के लिए, लेकिन अवेलेबल करके दूंगा.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से वहां पे आपको पैसे नहीं देने कि भाई 100 रुपए ले लो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आने दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है तो ज्वाइन हो जाना है आपको, एक पढ़ाई की कम्युनिटी में रहोगे। नेक्स्ट चीज टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन होना है। टेस्ट सीरीज अगर नहीं लगाओगे तो कितना भी पढ़ लो आप सक्सेड नहीं कर पाओगे एमएसटी सीटी के एग्जाम में, इस बात की मैं लिख के दे सकता हूँ। ये बात जब एग्जाम खत्म हो जाएगी ना तब आपको रियलाइज होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करो यार, इतना मतलब चिल्ला चिल्ला के ये चीजें बोलता हूँ ना क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे जो बहुत होशियार थे और छोटी छोटी चीजें नहीं किए और वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी आज की वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।